Welcome to all. एक बार अपने WhatsApp ग्रुप पे मैसेज कर देना, भूल नहीं गए हूँ सब कि 3 बजे क्लास है.
जस्ट 2 मिनट क्लास स्टार्ट हो रही है. एक्चुअली वो सर ने होस्ट नहीं बनाया अभी मुझे. Okay, so again, good afternoon to all of you.
So let's start session. तो देखिए कल हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है. फंक्शन क्या होता है ये हमने देखा. तो हमने बोला कि हर एक इमेज, हर एक एलिमेंट ए से बी अगर आप फंक्शन बना रहे हैं तो ए के हर एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली एक मैपिंग करना है आपको इन सेट बी, यानी हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है. फिर हमने देखा देयर आर डिफरेंट वे टू डिजाइन अ फंक्शन. तो टोटल फंक्शन इज एम रेस टू एन, ठीक है. एम इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट एंड एन इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट. तो टोटल फंक्शन का आपका फॉर्मूला दैट इज दिस. नाउ उसके बाद हमने ये देखा दैट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, इमेज क्या होती है, दैट्स इट. ऑल सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी. उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है. टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट वन इज इनटू, सेकंड वन ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन एंड वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. क्लियर है. नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे द नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स देख लिए हमने. नाउ वी डिस्कस, अगर आपको बोला है कि टोटल फंक्शन कैलकुलेट करने हैं तो हमने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करी, दैट इज एम रेस टू एन सेकेंड सेट की पावर फर्स्ट सेट, ठीक है. बट अगर आपको स्पेसिफिक फंक्शन बोला है कि नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे या ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन, ठीक है. वन टू वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन. तो देखिए वन टू वन फंक्शन की क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वन टू वन, कोई भी फंक्शन वन टू वन कब होगा, कौन कौन सी कंडीशन देखी थी हमने. बताइए वन टू वन की कंडीशन. सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट में ज्यादा होंगे और सेट के एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी. यस, यूनिक एंड डिफरेंट इमेज, ठीक है. सो एग्जैक्टली वन एंड यूनिक इमेज होनी चाहिए. सो इन दैट केस हमने यहां पर बोला दैट इज वन टू वन फंक्शन. तो एक सेट में एन एलिमेंट है और दूसरे में एम एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है. दैट इज सेट ए एंड बी एंड वी डिजाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. अगर ए से बी आप फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज लेस देन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी एम की वैल्यू एन से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन. तो हमने बोला कि एन की टोटल इमेज, टोटल एलिमेंट कितने हैं एन, और उसमें से एन इमेज आपकी बी में से सिलेक्ट करना है, ठीक है. और सारी n डिफरेंट होनी चाहिए, यानी इस m एलिमेंट में से n एलिमेंट सिलेक्ट करना है और ऑल आर डिफरेंट डेफिनेटली, ठीक है. सो m में से n सिलेक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, MCN. नहीं, MCN इज अ कॉम्बिनेशन, वी जस्ट वांट सिलेक्शन, किसी भी ऑर्डर में सिलेक्ट हो. MCN से आपका सिलेक्शन प्लस कॉम्बिनेशन दोनों होगा. C के अलावा क्या यूज करते हैं? MPN. Yes. So the answer is MPN. Total one to one function. Total one to one function is equals to MPN. Clear? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम एक example से समझते हैं इसको. Like हमने लिया that is ABC. ठीक है? या हम AB just दो element लेते हैं. और यहां पे ले लिया वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट. सो इन दैट केस क्या होगा आपका, कि जब आप ये थ्री एलिमेंट की इमेज सिलेक्ट करना है आपको, क्लियर है, दो एलिमेंट के लिए. सो हम क्या बोल रहे हैं, ए के लिए वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, बी के लिए भी वन टू और थ्री, यानी कि ए के लिए जो हो जाएगा उसको छोड़ना है आपको. सो इन तीन में से कोई भी दो एलिमेंट सिलेक्ट करना है, वन टू थ्री में से कोई भी दो एलिमेंट आएंगे, तो या तो आपने वन टू ले लिया या वन थ्री ले लिया, ठीक है.
या फिर आपने क्या ले लिया, दैट इज 2 3, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा क्या आपका, 1 2 1 3 एंड 2 3? नहीं बनेगा, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं, दैट इज 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो MPN का फॉर्मूला क्या होता है, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, गॉट इट। सो दैट इज m माइनस n फैक्टोरियल। सो इन दैट केस आपकी इमेज का सिलेक्शन दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपने जस्ट क्या किया, सिलेक्शन, यानी कि सॉरी दैट इज जस्ट अ सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट आपको यहां पर देखना पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, दैट देखिए ए की इमेज कॉम्बिनेशन पेयर वाइज लिखते हैं हम, ए की इमेज 1 हो सकती है, ए की इमेज 2 हो सकती है, फिर ए की इमेज आपकी अगर 1 है उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे, दैट बी की इमेज 2 हो सकती है या फिर बी की इमेज 3 हो सकती है, गॉट इट। तो देखिए इस एक के साथ 2 केसेस बन रहे हैं, फिर यहां पे इस एक के साथ आपके 2 केसेस बनेंगे, दैट B1 एंड B3, ठीक है। और एक ही इमेज अगर आपने 3 ले ली तो इसके अगेन देयर आर 2 केसेस, दैट इज B1 एंड B2। तो एक फंक्शन बन सकता है A1 B2 A1 B3, ठीक है, एक फंक्शन A1 B2, सेकंड क्या बन सकता है A1 B3, फिर A2 B1 A3 B3, ठीक है, सॉरी A3 B1 A3 B2। सो टोटल ये 6 केसेस आपके डिजाइन होंगे, ठीक है। सो 3P2 का आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज 6, गॉट इट। तो सिलेक्शन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें सिर्फ क्या मिलता है, 1 2 1 3 एंड दैट इज 2 3। अगर हम 3C2 का आंसर निकाले तो व्हाट इज द 3C2, दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 1, दैट इज 1 फैक्टोरियल, सो दैट इज 3। ये 3 के इक्विवेलेंट होगा, बट हम अगेन क्या करना चाहते हैं, अरेंजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द वे। तो फॉर्मूला आपका है टोटल 1 to 1 फंक्शन के लिए, दैट इज MPN, क्लियर, दैट इज द टोटल 1 to 1 फंक्शन। नाउ तो कोई भी वैल्यू दी हो आपको, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब अगर आपसे बोला है कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव यानी कि आपका 1 to 1 एंड ऑन टू, तो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 to 1 की भी और ऑन टू की भी। तो इस केस में आप क्या बोलते हैं कि m इज इक्वल्स टू n, n इज इक्वल्स टू m होगा, ठीक है। अगर 2 सेट हैं आपके, एक सेट में n एलिमेंट और दूसरे में m एलिमेंट है, एंड यू डिजाइन अ फंक्शन फ्रॉम दिस A to B, फंक्शन आपने a से b डिजाइन किया है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट इज एग्जैक्टली इक्वल। अब m एलिमेंट में से आपको n एलिमेंट की इमेज सिलेक्ट करना है, और हम बोल रहे हैं हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट ही रहेगी, तो फॉर्मूला आप एग्जैक्टली वही यूज कर सकते हैं। बट अब आपका क्या हो गया, n और m सेम ही है, यानी कि आप MPN लिखेंगे या फिर आप NPM लिखें या फिर आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि हम दिस 3 टर्म को इक्विवेलेंट बोलेंगे, बिकॉज सिलेक्शन आपको m में से ही करना है। तो MPN इज इक्वल टू m फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग सेम रहेगा आपका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप क्या बोलेंगे, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस n फैक्टोरियल। तो जब दोनों इक्वल है तो m माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्विवेलेंट टू m फैक्टोरियल। तो कहीं m वर्ड लिखाओ n वर्ड लिखाओ, दोनों का सेम ही मीनिंग है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है आपकी, इक्वल है। सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है, दैट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर। नाउ द सेकेंड इज
अब हमने देखिए वन टू वन देखा, बाइजेक्टिव देखा, तो ये आपके दो टाइप तो हो गए। द थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन, सिर्फ ऑन टू फंक्शन अगर आपका है सो इन दैट केस किसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो देखिए ऑन टू के लिए क्या लॉजिक है आपका कि अगर सेट ए दैट कंटेन एन एलिमेंट, सेट बी दैट कंटेन एम एलिमेंट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपका एम इज इक्वल्स टू, मतलब एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकेंड सेट से ग्रेटर या इक्वल होंगे, और जो सेकेंड सेट है आपका, इन दिस सेकेंड सेट सारे एलिमेंट इमेज में पार्टिसिपेट करने चाहिए, दैट इज द कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है हमारी। सो इन दैट केस अगर आप यहां पर देखें सो क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, अब देखिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि m में से n को सिलेक्ट करना है क्योंकि m की वैल्यू कम है, ठीक है, तो कम से ज्यादा सिलेक्शन क्या पॉसिबल है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूलेज जो होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपका यहाँ पर जो रहेगा दैट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि जो इमेज का सेट है उसकी वैल्यू कम है और जिसके लिए इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है आपके पास। सो इसमें एक केस तो ये बनेगा आपका दैट फर्स्ट केस, हम डायरेक्टली अगर शॉर्ट फॉर्म देखें सो दैट इज दिस, अगर मान लीजिए सेट ए, इफ ए कंटेन, देखिए ए की वैल्यू एन है और बी में कितने हैं आपके m एलिमेंट, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इफ n इज इक्वल्स टू, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी n की वैल्यू 2 3 4 5 सो एंड सो ऑन कुछ भी हो, एंड b इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, ठीक है, देखिए हम क्या बोले फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर या इक्वल होने चाहिए, तो a की वैल्यू हमने बोल दी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और सेकंड सेट में हमने क्या बोल दिया एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस टाइप से अगर आता है कि बी में सिर्फ 2 एलिमेंट है और ए में कितने भी एलिमेंट हो, 2 या 2 से ग्रेटर जितने भी, तो उस केस में डायरेक्ट टोटल फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है आपका, टोटल फंक्शन जो बनेंगे आपके टोटल ऑन टू फंक्शन, ठीक है, टोटल फंक्शन दैट इज ऑन टू इज इक्वल टू 2 रेस टू एन माइनस 2, गॉट इट, इफ the first set contain number of element greater than equals to 2 and second set contain exactly 2 element then this formula is valid, tabhi aap isko use karenge, otherwise baki kisi bhi condition mein aap isko use nahi kar sakte. Now second case other than all, yani ki case 2 ya formula 2 bol sakte hain aap, theek hai, us case mein aapko ye jo condition humne likhi hai, theek hai, iske alawa jo bhi condition ho, theek hai, yani ki ye condition that first n is greater than equals to m, n is greater than equals to m के लिए always this formula is valid, clear है? So पहला वाला formula की corresponding जो भी answer आएगा same value अगर n is greater than equals to 2 और b equals to 2 है, वो वाली value भी हम इस second formula से pass करेंगे तो भी आपका answer correctly बन जाएगा, clear है? So condition क्या है? Just n is greater than equals to m, ठीक है? अब आपका फॉर्मूला इज दैट फर्स्ट एन क्या है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर फर्स्ट सेट एंड एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट, सो फॉर्मूला होता है आपका दैट समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 टू एम माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 रेस टू के एम सी एम माइनस के m minus k raised to n, that is the formula. अब देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे ऑन टू पे, ठीक है, और विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला, यानी कि आपको फॉर्मूला याद रखना ही है, देयर इज नॉट एनी अदर वे, क्लियर है? सो फॉर्मूला आपको दैट इज द फॉर्मूला, देयर आर टू फॉर्मूला इस केस में, आपके दो फॉर्मूले होंगे, एक ये अगर आपको ये इजी लगता है तो यू कैन यूज दिस, ठीक है, और द सेकेंड फॉर्मूला इज m factorial
इनटू ठीक है समेशन ऑफ जे इक्वल्स टू वन टू एम माइनस वन रेस टू एम माइनस जे जे रेस टू एन माइनस वन अपॉन जे माइनस वन फैक्टोरियल इनटू एम माइनस जे फैक्टोरियल That is this. Got it. So, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करें. M और N क्या है आपके? N is the number of element of first set. M is the number of element of second set. तो N और M की वैल्यू तो गिवन रहेगी आपकी. K की रेंज जीरो से चल रही है इस फॉर्मूले में. यहाँ पे आपने एक वेरिएबल J ले लिया. यहाँ पे K यूज किया तो हमने यहाँ पे J लिख दिया. जस्ट इस तरीके से आपको उसे एग्जीक्यूट करते जाना है. ठीक है. अब डेफिनेटली समेशन कितने टाइम्स चलेगा? तो जितनी वैल्यूज आपकी क्या है एम की सेकंड सेट में जितने एलिमेंट है उतने टाइम आपको क्या करना है उसको फॉर्मूले को यूज करके एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. तो जस्ट ट्राई दिस फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है. यानी कि मेरे हिसाब से आप ये फॉर्मूला यूज करें. दैट इज इजी एज कम्पेयर टू दिस बिकॉज आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन का लॉजिक यूज करना है. वैसे दोनों ईजी है बट फर्स्ट अगर ट्राई करेंगे कोई भी एक ही याद रखना है हमें. दोनों याद नहीं रखें क्योंकि दो के लिए हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें. कोई भी एक याद रखें. ठीक है. और एक ही पे प्रैक्टिस करें तो एक पे प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा कि दैट कमांड ऑन दैट क्वेश्चन ये अगर मान लीजिए उस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर है. सो लिखा है फॉर्मूला. एग्जांपल देखते हैं हम इसके लिए. So, let's take one example. देखिए अगर आपको यहां पर सेट दिया है लाइक देखिए केस टू क्या है. केस टू के लिए डाउट आ रहा है फिर से देख लेते हैं हम. केस टू कुछ नहीं है आपको केस के वाइज समझे ही नहीं. यहां दो फॉर्मूले सिंपल से. एक फॉर्मूला ये है. ये कब अप्लाई कर सकते हैं आप जब n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है और b एग्जैक्टली 2 हो. यानी सेकंड सेट में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो और फर्स्ट में 2 या 2 से ग्रेटर हो तो ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे आप. अब ये डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है इसलिए हमने अलग से लिख दिया इसको. ठीक है. यानी कि आप इस सेकंड केस में आप कोई भी एलिमेंट हो यानी कि यहाँ एन इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 2 है. ठीक है. या एन इक्वल्स टू 3 और बी इक्वल्स टू 2 ले लिया आपने तो दैट इज द केस. इसको अगर आप इससे सॉल्व करेंगे यानी कि इससे तो आप क्या लिखेंगे फॉर दिस इस वैल्यू के लिए आप क्या रन करेंगे 2 रेस टू 3 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हुआ 6. तो 6 ऑन टू फंक्शन बनेंगे. अब ये सेम वैल्यू के लिए आप ये दोनों फॉर्मूले भी अप्लाई करेंगे तो भी आंसर 6 ही आएगा आपका. क्लियर है. n इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 2 लिया तो आंसर क्या बन रहा है आपका 6. तो ये इसलिए लिखा हमने ताकि अगर मान लीजिए इस टाइप का डेटा है तो आप इस फॉर्मूले में ना उलझते हुए डायरेक्टली इसी से सॉल्व कर ले. अदरवाइज ये जनरलाइज फॉर्मूला है आपका. ठीक है. इसको तो यूज करने ही आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं इसलिए हमने जन टर्म लिखी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. गॉट इट. सो जस्ट दो फॉर्मूले हैं. किस तरीके से आप ओपन करेंगे और कैसे रन होगा ये हम एग्जांपल से समझते हैं इसको. ठीक है. तो देखिए ये एक वैल्यू जो n इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 2 के लिए हमने देखा. ठीक है. फॉर दैट ठीक है n और m. ठीक है. m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू क्या है 3. तो इसके लिए टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं हमारे 6 फंक्शन बन रहे. सो जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला सेकंड जो केस है इसका फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली 6 फंक्शन बन रहे हैं या नहीं. ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला. ठीक है. फॉर्मूला आपने क्या लिखा है समेशन k इक्वल्स टू 0 टू m माइनस 1 माइनस 1 रेस टू k m c m माइनस k m माइनस k रेस टू m. ठीक है. m माइनस k रेस टू n दैट इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है आपका. नाउ हमने क्या बोला कि फर्स्ट सेट n की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 3 और m की वैल्यू क्या ली हमने 2 ली. इसके लिए रन करके देखना है आपको. क्लियर है. सो व्हाट इज द आंसर. तो देखिए n इज 3 और m इज 2 तो k की रेंज क्या हो गई आपकी k 0 से m माइनस 1 0 से 2 माइनस 1 यानी कि 1.
तो 0 से 1 यानी कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तो k की रेंज क्या हो गई आपकी, 0 to 1, ठीक है, m माइनस 1 इज 1। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट k इक्वल्स टू 0 के लिए, तो माइनस 1 रेस टू 0 m इज 2 टू सी 2 माइनस k, 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही रहेगा, 2 माइनस 0 दैट इज 2 ओनली, 2 रेस टू पावर इज 3। तो ये k इक्वल्स टू 0 के लिए रन किया आपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस k रेस टू 1 के लिए, माइनस 1 रेस टू k की वैल्यू इज 1, m c m इज m कितना है डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, दैट इज 2 2 c 2 माइनस k इज 1, 2 माइनस 1 रेस टू n, n फिक्स है आपका 3, हमेशा पावर 3 करना है आपको, दैट इज दिस, क्लियर है। तो देखिए माइनस 1 क्यों यूज कर रहे हैं, माइनस 1 पावर क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट टर्म्स क्रिएट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, क्लियर है। तो पावर 0 है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो गया आपका, और यहां से आएगा आपका 2c 2, ठीक है, into 2 माइनस 0 इज 2, 2 रेस टू 3 इज 8, दैट इज 8। अब यहां से अगर आप देखें प्लस इंटू माइनस 1 रेस टू 1 क्या होगा, माइनस 1, यानी कि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2c 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 पावर 3 इज 1, तो ये 1 आया आपका। तो देखिए क्लियरली दिख रहा है 2c 2 इज इक्विवेलेंट टू 1, इसको आप लिखते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 0 फैक्टोरियल, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये पूरा 1 बचा, इंटू 8 माइनस 2c 1 इज ऑल्सो 2c 1 इज 2, ठीक है, दैट 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल। अभी देखिए कॉम्बिनेशन परमिटेशन ओपन करना आना चाहिए हमें, दैट इज बेसिक टर्म। सो ये लिखा आपने, यहां से आपका ये 1 हुआ तो बचा 8, 8 माइनस इधर से 2, 2 बाय 1 इज 2, 8 माइनस 2 इज 6, तो 6 आना चाहिए था, अभी हमने जो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया था उससे 6 आ रहा था आपका आंसर, क्लियर है, आया समझ में? यस सर, ये 0 और 1 कैसा है बस वो पता चाहिए, पर कौन सा 0 1 जो k equals to 0 k equals to 1 ये, yes, sir। अरे देखिए यहाँ पे समेशन वर्ड का मतलब क्या है, समेशन का मतलब ये है कि आपको कितने टाइम्स इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ऐड करना है, दैट इज द रोल ऑफ समेशन। तो k equals to 0 से m minus 1 यानी कि एक लूप है, k equals to 0 से m minus 1 तक चलाना है, m की वैल्यू 2 है यानी 0 से 1 तक चलाना है आपको, तो एक बार k की वैल्यू 0 रख के एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार k की वैल्यू 1 रख के एग्जीक्यूट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मान लीजिए 0 से 3 तक चलता तो 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए सबके लिए सॉल्व करना है और ऐड करके फाइनल आंसर निकाल देना है। ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, सपोज करिए कि अगर वैल्यू बढ़, हाँ तो वही ना, इसलिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी, इसका और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, देयर इज नॉट एनी अदर वे, गॉट इट। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर ले जो एक और लिखा हमने, लेकिन वो भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है वो भी। सो इस पर्टिकुलर देखिए बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन ऐसा भी नहीं आएगा कि m की वैल्यू 10 दे दी और n k की वैल्यू दैट दे दी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको इसके अलावा डायरेक्ट फॉर्मूले के अलावा भी आते हैं, वो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे कि किस लॉजिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फॉर्मूला बहुत रेयर केस में यूज करना है आपको, उस केस में भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट एक तरीका तो ये हो गया कि ये लिख दिया आपको n की वैल्यू, मान लीजिए मैंने लिख दी यहां पर दैट n इक्वल्स टू लाइक दिस, देखिए अगर मैंने यहां पर आपको दिया है n इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड k इक्वल्स टू सॉरी m इक्वल्स टू 2, क्या आएगा आंसर बताइए, ठीक है, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन, हाउ मेनी ऑन टू 1022, हाँ फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम n टू m, ठीक है, डायरेक्ट n टू m ही लिख देते हैं, यही फंक्शन बना रहे हैं। सो अभी हमने बोला कि इसके लिए जब m इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 है m की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, 2 रेस टू n माइनस 2, तो 2 रेस टू n इज 1024 माइनस 2, 1024 माइनस 2 इज 1022, दैट इज द आंसर। तो एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया आपका, ठीक है, गॉट इट। सो
डायरेक्ट वे जब होगा जब m एग्जैक्टली 2 है. इसके अलावा मान लीजिए आपको मैपिंग कुछ दी हुई है फंक्शन में और फिर मैपिंग के बाद आपको चेक करना है कि कितने फंक्शन बन रहे हैं या क्या, तो वो आप लॉजिक से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे हम. सबसे पहले तो आप इसके लिए ट्राई करें, व्हाट इज दी, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन हमने यही लिख दिया, दैट इज द आंसर. क्लियर है? नाउ आपको ट्राई करना है n इक्वल्स टू 4 एंड m इक्वल्स टू 3. रन फॉर दिस. How many onto function? बताइए. ये क्वेश्चन गेट में आया है. ठीक है, How many onto function from n to m? मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं क्या, या आपने लोगों ने लिख लिया है कॉपी पे? ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोगों के यहाँ पे. That summation k equals to 0 to, अब जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वो, m माइनस वन, माइनस वन रेस टू के, एम सी एम माइनस के, एम माइनस के रेस टू एन. दैट्स इट. हुआ किसी का सवाल? यस सर, 36. 36, ओके, करेक्ट, करेक्ट आंसर. देखिए अब डायरेक्टली हम मतलब इसको जितना फास्ट कर सके, हमें पता है m की वैल्यू जो है उतने टाइम्स आपको लूप रन करना है. ठीक है, तो दैट m इज इक्वल्स टू 3, तो आपको 3 टाइम्स यहाँ पे k की वैल्यू 0 से 2 तक जाएगी. ठीक है, यानी m को 0 से 2 तक लेना है. और ये जो माइनस वन की पावर k है, इसका मतलब क्या है, पहला तो 0 ही रहेगा आपका, यानी पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अल्टरनेट चलने वाला है. तो आपको ये पूरे पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना है हमें. पहली टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव आ जाएगी, टोटल 3 बार चलेगा आपका ये. सो दैट m इज इनिशियली क्या बोल रहे हैं, m दैट इज 0 से m माइनस 1, m क्या है आपका 3 है, दैट इज फिक्स. और n जो है आपका 4, that is also fixed. बस k की वैल्यू चेंज करना है, तो देखिए 3c, 3 minus 0,
एंड 3 माइनस 0 रेस टू 4 माइनस, देखिए पहली टर्म पॉजिटिव ले ली क्योंकि k की वैल्यू 0 थी, तो अगली क्या आएगी आपकी k की वैल्यू 1, तो माइनस 1 रेस टू 1 क्या आएगा माइनस 1, तो सेकेंड नेगेटिव टर्म आएगी आपकी. नाउ 3c 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 पावर दैट इज अगेन 4. फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव, k की वैल्यू 2, 3c 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 रेस टू 4, दैट्स इट. तो देखिए 3c 2 इनटू 3 रेस टू 4, 3 माइनस 0 इज 3, 3 रेस टू 4 इज 81 माइनस 3c 3, ये वाला 3c 3 रहेगा, 3 माइनस 0 इज 3, दैट इज 3 माइनस 1 इज 2 एंड 2 रेस टू 4 इज 16 प्लस 3c 1 इंटू 1 रेस टू 4 इज 1, दैट्स इट. तो 3c 3 कितना होगा आपका 1 होगा, 1 इंटू 81. अब देखिए ये भी फिक्स है आपका, कोई भी वैल्यू हो यहां से पहला 1 ही आएगा आपका और लास्ट वाला टर्म का भी 1 ही आएगा, क्लियर है? क्योंकि इस केस में आपका k 0 है तो m माइनस 0 का डिफरेंस ऊपर वाले के इक्विवेलेंट होगा, और इस केस में आपका k क्या है, m माइनस 1 है, तो डिफरेंस एग्जैक्टली क्या आएगा आपका 1 आएगा. तो 3c 1 लिखें, कोई भी वैल्यू लिखें, nc 1 और nc n बोथ आर इक्विवेलेंट टू 1, क्लियर है? सो दैट क्या लिखेंगे आप, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 माइनस 3 दैट इज 0 फैक्टोरियल, क्लियर है? सो दैट इज दिस. नाउ सो ये कितना हुआ, सॉरी तो दैट इज 181 आएगा आपका, एंड 3c 2 के लिए होगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, सो ये आएगा आपका 3, ये फैक्टोरियल क्लियर है ना, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल. सो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका 3 इनटू 16, ये 1 आया, 1 इनटू 81, 3 इनटू 16 एंड दैट इज आई थिंक 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 3, दिस टू आर इक्विवेलेंट, गलत बोल दिया था मैंने, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 3, ठीक है? तो 81 माइनस 48 प्लस 3, तो 81 प्लस 3 इज 84, 84 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 36, ठीक है? सो दैट इज इक्वल टू 36, ठीक है? हम जस्ट फॉर्मूला एक लॉजिक होता है, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ठीक है? बोथ आर इक्विवेलेंट. देखिए कुछ लोगों को टाइमिंग का पता नहीं था, ग्रुप पे व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप पे मैसेज तो डाल दिया था ना, मैंने किसको बोला था, माधवी को, ये सर डाल दिया था. तो आपके सारे लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? ऐसे सर एक टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए सर. हाँ वो तो ठीक है, आज तो अब वो तो आगे से तो अपन कर ही लेंगे, बट आज जो हुआ उस केस में ऐड है सर, सारे ऐड है. लेकिन कई लोग व्हाट्सएप चालू नहीं करते ना, मतलब बहुत टाइम बात करते हैं या तो फिर दोपहर में नहीं करते हैं. सही है, चलिए ठीक है, ओके कोई बात नहीं. तो एक क्लास 7 बजे तक चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, 7 बजे तक नहीं यार, सिर्फ 5 बजे तक, ठीक है? काम था शाम को थोड़ा, इसलिए 3 बजे रखी क्लास, 3 to 5 ही ले रहे हैं हम. देखिए हमने कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं देखा है, जस्ट नंबर ऑफ फंक्शंस के फॉर्मूले देखें, एक दो लोग अभी ऐड हुए हैं तो जस्ट मैं एक मिनट में रिकॉल कर देता हूं आप लोगों को. देखिए यहां पे हमने टोटल फंक्शंस के फॉर्मूले देखे हैं, आप बाद में पीपीटी से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन का फॉर्मूला होता है आपका MPN एंड बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है आपका M फैक्टोरियल, ठीक है? एंड ऑन टू फंक्शन का, दैट बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला M फैक्टोरियल. ये MPN सब फॉर्मूलेज देखे हमने और कुछ नहीं देखा है, क्लियर है? And that onto function का formula जो हम यहाँ पे use कर रहे हैं इस question के लिए हमने जो use किया है that is this. ये formula है, n की value 4, m की value 3 and इसके according आपको total functions calculate करना है. So 36 answer यहाँ पे आ रहा था. That ये एक question जो आपका है, ठीक है? ये जो question है आपका that is a gate question. मतलब इससे लार्जर वाला क्वेश्चन नहीं आया है आपको अभी तक,
that n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 3 है. That is only the question. Clear? So, आपको मतलब इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. खैर क्वेश्चन आप अगर देखें तो यहां पर इन दैट केस क्लियरली दिख रहा है कि फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए बस आपको प्रैक्टिस चाहिए. देखिए आपको n 4 है, m 3 है, ठीक है. फिर आप खुद से एक दो डिजिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं, ठीक है. और इसके अलावा जो क्वेश्चन अगर विदाउट फॉर्मूले को हम बोले कि विदाउट फॉर्मूला यूज किए क्या क्वेश्चन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो देखिए इन दैट केस क्या होगा आपका, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं. हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो आपके लिखिए. देख फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सबका कंप्लीट. ये क्लियर है सबको कैसे रन किया हमने फॉर्मूला? चलिए ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. नाउ क्वेश्चन लिखा मैंने यहां पे द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए that contain 1, 2, 3 to B that contain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the element. Now, which have F of 1 is equals to 1. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? The number of injective function from A to B which have F of 1 is equals to 1 is, now the first option is 20, second option is 0, third option is 6, and last one is 120. ठीक है, सो अब नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव यानी हम कौन सी बात कर रहे हैं, 1 to 1, और 1 to 1 का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, दैट इज एम पी एन. ठीक है, एम इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एम इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, कंडीशन इज एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम. तो ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई होगी तो आप क्या बोलेंगे कि इनटू फंक्शन पॉसिबल है. अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन की एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी गिवन है आपको. ए 20 या 120 क्या बता रहे हो? 20 फर्स्ट वाला. ओके 5p2 सो 120 देखिए अगर यहां पर 5p2 लगाया आपने तो 5p2 में कितना हो रहा है आपका, दैट इज 20. चलिए देखते हैं यहां पे लॉजिक एग्जैक्टली वही है. देखिए टोटल डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो फिर इस f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का मतलब नहीं रहेगा कुछ भी. ये लिखा है मतलब कुछ तो मीनिंग होगा इसका. सो दैट इज 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1 के लिए 1 फिक्स है. अब हमें प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए इंजेक्टिव की. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? आफ्टर दैट 1 to 1 आपने बना दिया, ठीक है. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो इमेज का सिलेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक एंड डिफरेंट. ठीक है, यूनिक यानी कि आप रिपीट नहीं करेंगे किसी भी एलिमेंट को इमेज के लिए. So, 1 के ऑलरेडी इमेज बन चुकी है, दैट इज 1. अब ये 1 किसी और की इमेज के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अब रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे आपके पास, 2, और इधर कितने बचे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 5. इन 5 में से इन 2 के लिए इमेज सिलेक्ट करना है तो 5p2 हो जाएगा आपका. Got it? So, 5 factorial divided by 3 factorial. So, that is 5 into 4 into 3 factorial divided by 3.
थ्री फैक्टोरियल ऐसे ओपन करते हैं हम, फाइव फैक्टोरियल को नीचे थ्री फैक्टोरियल है तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल तक जाएंगे, थ्री से थ्री कैंसिल, फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी, सो इज द राइट आंसर. Got it? Yes, sir, done. Okay. So total आपके 20 functions यहाँ पे बनेंगे. Otherwise अगर ये f of 1 equals to 1 नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, just 6p3, 6p3 होता तो आपका जो भी answer 6p3 का आएगा, that is the right answer. No. The next question, number of surjective function, number of surjective function from A that contain 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 1, 2, 3, 4, 5, 6 to B is equals to 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, for which f of 5 is equals to f of 6. ठीक है, for which f of 5 is equals to f of 6. First option 52, second 360, third 24, and the last 720. Surjective मतलब क्लियर है, दैट इज ऑन टू फंक्शन. बताइए क्या है आंसर. सॉरी, दैट इज समथिंग इज मिसिंग. एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 3. ये लाइन तो लिखी नहीं. नाउ कैलकुलेट, द 5 एंड 6 इज इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू 3. 5 और 6 दोनों की इमेज आपको 3 दी हुई है.
सी सर 24. तो अगेन यहां पर इमेज का सिलेक्शन करना है और फिर जो बचे हुए एलिमेंट है उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. सो दैट इज 1 2 3 4 5 एलिमेंट. हियर इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट. हमें बोला है कि 5 और सॉरी दैट इज 5 6 एंड हियर इज 5. हमें बोला है 5 और 6 दोनों की इमेज क्या है आपकी 3 है. सो दिस 5 एंड 6 बोथ आर मैप टू 3 क्योंकि हमें ऑन टू फंक्शन बोला है तो हमें पता है कि एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है. देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सो इन दैट केस आपने बोला कि 1 2 3 4 बचे इधर एलिमेंट. ठीक है. और यहां पर आप 1 2 3 4 5 सारे लिख सकते हैं. क्लियर है क्योंकि इन दो की इमेज तो फिक्स हो गई 5 और 6 की दैट इज 3. तो एक से ज्यादा इमेज तो पॉसिबल नहीं है. अब यहां 4 एलिमेंट है और इधर 5 एलिमेंट है तो क्या ऑन टू फंक्शन इस सेट पे बना सकते हैं हम डायरेक्टली? क्या ऑन टू फंक्शन इस पे डायरेक्टली पॉसिबल है? देखिए सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहां एलिमेंट 4 है और इधर कितने 5 है और हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट में ज्यादा फर्स्ट सेट में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए. तो डेफिनेटली जो 3L इमेज के लिए जो आपने 3 को यूज किया था यू कैन नॉट एबल टू यूज अगेन दैट 3. यानी इस 3 को अब यूज नहीं कर सकते आप बिकॉज उसकी मैक्सिमम आपने यूज ले लिया है. सो दैट 3 दो एलिमेंट की इमेज बन गया. अब रिमेनिंग 4 के लिए आपको 1 to 1 इमेज लेना कंपलसरी है. ठीक है. अदरवाइज क्या होगा आपका मतलब अगर आपने 3 के करस्पॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने क्या बोला 3 की इमेज आप क्या कर रहे हैं दैट इज रिपीट. अगर मान लीजिए आपने एक और बार 3 ले लिया तो कोई एक एलिमेंट आपका फिर रह जाएगा इमेज के लिए. गॉट इट. सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में आपका यहां पर 4 और इधर भी कितने एलिमेंट है 4. तो दैट 4 एंड 4 दोनों में इक्वल एलिमेंट और जैसे इक्वल हुआ इट बिकम्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव के लिए हम क्या बोलेंगे 4 फैक्टोरियल दैट इज 24. सो आंसर इज 24. ठीक है. जैसे ही आपके दोनों सेट में इक्वल हो गए उस केस में आपका वो फंक्शन किसके जैसा हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन की तरह और बाइजेक्टिव के लिए आपका फॉर्मूला है m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कोई भी यूज करे. सो दैट इज 4 फैक्टोरियल. सो दैट इज इक्वल टू 24. गॉट इट. तो देखिए हमें हमेशा फॉर्मूले एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है. पहले उस लॉजिक को समझना है कि क्या क्वेश्चन दिया है. अगर मान लीजिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि यस विदाउट फॉर्मूला इट इज नॉट पॉसिबल तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर ही सकते हैं. Got it. So that is the answer. 24 is the right answer. Now, देखिए क्वेश्चन दिया है आपको फंक्शन f. Just a minute. Let f a tends to b is function be a function from be a function theek hai that a to b and let capital e and capital f are subsets of A of set A then consider the following statement about image
consider following statement about image. The first statement S1 is F of E union capital F. ठीक है, that capital F is the subset. और यहाँ पे हम जो F लिख रहे हैं, that is function. Function of E union F is equals to F of E union F of F. Second statement आपको दिया है, that is F of E intersect F is equals to F of E intersect F of F. ठीक है, so क्या बोला, I'm consider the following statement about the image which is true. कौन सा true होगा आपका? First option S1 only, second S2 only, third both, and last none. What is the right answer? ठीक है, तो आपने दो सबसेट लिए डोमेन के, और उन दोनों सबसेट का एफ ऑफ का मतलब क्या हो रहा है, इमेज फाइंड करना है. उन दोनों सबसेट का यूनियन लेके इमेज फाइंड करें, या फिर इमेज लेके फिर उस इमेज का यूनियन ले, तो क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा? और सेम इंटरसेक्शन के लिए पूछा है, यानी कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग आंसर देना है कि वो आपका सेम रिजल्ट जनरेट करेगा या डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करेगा. The first bus true होगा, second set false होगा. Confirm? Yes sir. Okay, देखते हैं. देखिए, आप किसी भी एग्जांपल के थ्रू करें, सो आप इजीली इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं. क्या बोला है हमें, दैट रिलेशन ए टू बी. ठीक है, तो सेट क्या है आपका, दैट फर्स्ट सेट इज ए, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज बी. क्लियर है? सो कोई भी दो, आप अब यहाँ पे कोई टाइप फाइप तो कुछ लिखा नहीं है हमें, ठीक है, सबसेट की बात कर रहे हैं हम. सो कोई भी सेट ले लिया आपने, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी. Now, 1 की इमेज A, 2 के लिए B ले लिया आपने, 3 के लिए अगेन B ले लिया, 4 के लिए आपने ले लिया C. That is the image. ठीक है? So, 1 की इमेज है A, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज B है और 4 की इमेज C है. Now, A के दो सबसेट लेने हैं आपको, E और F.
ठीक है, आप सबसेट में कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, अगेन आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है। तो एक सबसेट ले लिया मैंने 1 2, और एक सबसेट ले लिया मैंने दैट इज 3 4, ठीक है, तो दैट इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों क्या है, ए के सबसेट है आपके। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट परफॉर्म द यूनियन, अगर आप इन दोनों का यूनियन ले, यानी कि पहले तो आप सबसेट की इमेज फाइंड कर ले, टोटल ए की इमेज कितनी आ रही है आपकी, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या है आपका, व्हाट इज द एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज ए बी एंड सी, तीन एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ ए का मतलब ए के एलिमेंट की इमेज क्या क्या है, तो ए बी सी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सो देयर आर 3 एलिमेंट, गॉट इट। नाउ अब एफ ऑफ ई फाइंड करते हैं हम, E यानी कि इन दोनों 1 और 2 की इमेज, तो 1 की इमेज A है और 2 की इमेज क्या है, B है, तो that is A comma B, clear है, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, तो A comma B, F of capital F that is 3F, 3 4, 3 की इमेज क्या है आपकी C, sorry B, और 4 की क्या है C, so that is B comma C, clear है, B और C आ रहा है आपका। So, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों सेट का यूनियन ले लेते हैं, यानी एफ ऑफ ई यूनियन एफ, ई और एफ का यूनियन लेते हैं पहले और फिर इमेज फाइंड करते हैं, ई यूनियन एफ लेंगे तो आप ओरिजिनल सेट ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि ई यूनियन एफ क्या होगा आपका, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है, चारों एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 की इमेज क्या आएगी आपकी, तो दैट इज इक्वल टू इमेज ऑफ ए, यानी ए बी सी, तो आप पहले यूनियन ले और फिर इमेज फाइंड करें, तो एक सेट मिल रहा है आपको एबीसी, और पहले आप क्या ले लें, आपने पहले इमेज कैलकुलेट कर ली और फिर उसका यूनियन लिया, दैट इज दिस, सो एबी यूनियन बीसी, सो क्या आएगा, दैट इज अगेन इक्वल्स टू एबीसी, ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, एबीसी के, तो बोथ आर इक्वल, दोनों सेट इक्वल आ रहे हैं, सो दैट इज फॉर दिस, यानी कि ये इक्वल है। सेम आप इंटरसेक्शन के लिए रन करें, तो देखिए इमेज तो दोनों की क्लियर है आपको कि ए बी और बी सी है, तो अगर मैंने यहाँ पे ई इंटरसेक्ट एफ निकाला, ठीक है, दैट इज ई इंटरसेक्ट एफ, दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 इंटरसेक्ट 3 4, दैट इज 5, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों का यानी कि ई इंटरसेक्ट एफ की इमेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, दैट इज एफ ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ, तो डेफिनेटली आप फाइ की इमेज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग, क्योंकि फाइ को एलिमेंट नहीं है आपका, वो फाइ की इमेज क्या आएगी, फाइ आएगी, बट अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं आप ई ऑफ एफ एंड ई ऑफ एफ, क्योंकि इमेज फाइंड करने के बाद अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का सेट है ए बी इंटरसेक्ट सेकेंड वाले का सेट है बी सी, सो इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइ, सो बोथ आर डिफरेंट, सो इंटरसेक्शन का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, बट यूनियन का रिजल्ट 100% क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्लियर है, क्योंकि देखिए अब वॉट एवर द सेट आप डायरेक्टली भी अगर मतलब उस प्रॉपर्टी पे भी फोकस करें, यूनियन का टास्क क्या होता है आपका, कि आपकी अगर दो अलग अलग सबसेट्स की इमेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर इमेज किसी दोनों सबसेट की टोटली डिफरेंट इमेज होगी तो भी यूनियन के बाद क्या आएगी, सारी यूनिक इमेज दिखेगी आपको, ठीक है, यानी कि अगर एक में ए बी है और दूसरे में सी डी है, तो ओवरऑल रिजल्ट ए बी सी डी होगा इमेज का, और अगर हमने वहां पर दोनों पर्टिकुलर सेट का यूनियन पहले ले लिया तो भी आपका टोटल सम जो निकलना है, यानी कि मान लीजिए कोई कॉमन एलिमेंट भी है तो उसको काउंट तो एक ही बार करेंगे हम इमेज में, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है वो कि इमेज कॉमन हो सकती है, तो अगर आपने इंडिविजुअली इमेज निकाली और इंटरसेक्शन लिया तो सेट में कॉमन इमेज आ सकती है, बट एलिमेंट क्या है आपके, डिफरेंट है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन से कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि एक दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। आप सिंपल सा एग्जांपल देखें, दैट इज द इधर एक एलिमेंट लिखा और इधर 1 2 लिखा, तो 1 और 2 दोनों को अलग अलग सेट में लिख दिया, यानी इतने बड़े एग्जांपल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, 1 और 2 का इंटरसेक्शन 5 है लेकिन दोनों की इमेज क्या है, ए, तो ए इंटरसेक्ट ए क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा, बट यूनियन के केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिजल्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा आपका, दैट्स व्हाई S1 इज ट्रू बट रिमेनिंग दिस 2 इज, यानी कि इंटरसेक्शन इज नॉट वैलिड सर, लेकिन ये हाँ 1 2 1 के लिए शायद सही रहेगा ना सर, किसके लिए, 1 2 के लिए, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इस एग्जांपल में जो सेकंड वाला है वो 1 2 1 के लिए सही रहेगा ना,
क्योंकि उसमें यूनिक रहेगी तो दोनों जगह फाई आएगा। इसके लिए क्यों फाई क्यों आएगा? वन का इंटरसेक्ट टू के साथ करोगे तो फाई आएगा, लेकिन दोनों की इमेज ले लोगे तो ए इंटरसेक्ट ए तो ए आएगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ जो सेकंड वाली कंडीशन है वो वन टू वन फंक्शन के लिए ट्रू रहेगी क्या? अच्छा वन टू वन फंक्शन की बात कर रहे हो? यस सर। नहीं तो वन टू वन के लिए ट्रू कैसे रहेगी? किसी के लिए भी ट्रू नहीं है ना वो वन टू वन के, आप कोई भी फंक्शन ले क्योंकि वो उसके लिए यूनिक इमेज है। करेक्ट, वन टू वन के लिए आपकी यूनिक, हाँ तो दैट फंक्शन स्पेसिफिक कर दिया। करेक्ट, ए बी सी डी सारी इमेज यूनिक है तो उस केस में आप क्या रहेंगे कि इमेज का सेट भी इंटरसेक्शन के बाद, वो डेफिनेटली वो तो करेक्ट होगा। इमेज का सेट भी आप क्या लेंगे डिफरेंट है, और इधर एलिमेंट का सेट भी क्या है आपका दैट इज, अगर मान लीजिए आप डिफरेंट, अब देखिए उस केस में मान लीजिए मैं इस टाइप से एक एग्जांपल 1 2 3 एंड दैट इज ए बी सी, 1 की इमेज ए, 2 की दिस एंड दिस, एक सेट ले लिया मैंने 1 2 और एक सेट ले लिया मैंने 2 3, तो डेफिनेटली आपकी एलिमेंट भी 2 आएगा इंटरसेक्शन में और इमेज भी क्या आएगी बी आ जाएगी, यानी कि एग्जैक्टली वही आएगी। करेक्ट है, तो 1 2 1 के लिए चलेगा वो। ओके सो क्लियर दैट S1 इज द राइट आंसर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, लेट कैपिटल एक्स वाई एंड जेड बी अ सेट ऑफ साइज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड, तीन सेट है एक्स वाई जेड, तीनों की साइज क्या है स्मॉल एक्स वाई एंड जेड। फिर लिखा है लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स एंड क्रॉस वाई, एक्स कार्टिशन प्रोडक्ट वाई, एंड कैपिटल ई बी अ सेट ऑफ बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, set of all subsets of W, E is the set of all subsets of W, then total number of function from Z to E, total number of function from Z to E is the first Z, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है सॉरी दैट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे हमें, ठीक है सो द वैल्यू इज इन द स्मॉल, सो दैट इज स्मॉल जेड, सेकेंड जेड एंड टू टू रेस टू एक्स वाई, थर्ड टू रेस टू जेड, एंड द लास्ट वन इज टू रेस टू एक्स वाई एंड जेड is the total number of function.
ओके सो कुछ लोगों का आंसर आया है, ये सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको। बोलिए देखिए क्या बोला आपको, दैट एक्स एंड वाई इज नो, बी इज नॉट राइट आंसर, एक्स वाई जेड तीन सेट है, उनकी कार्डिनलिटी कितनी है, एक्स वाई जेड, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज एक्स, वाई इज वाई एंड जेड इज जेड, ठीक है। सो व्हाट, अब हमने क्या किया, एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और उस केस में रिजल्ट किस में स्टोर किया आपने, दैट इज इन डब्ल्यू, ठीक है, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, यानी सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू की साइज कितनी होगी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक्स इंटू वाई, यानी कि आपकी एक्स वाई इज द साइज ऑफ डब्ल्यू, क्लियर है। सो अब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तीन चारों की साइज हमारे पास अवेलेबल है। नाउ ई इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ डब्ल्यू, तो ई क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, और हमें पता है किसी भी सेट में अगर एन एलिमेंट है तो सबसेट में टू रेस टू एन एलिमेंट होते हैं, तो W में एक्स वाई एलिमेंट है तो उसके सबसेट में टू रेस टू एक्स वाई एलिमेंट होंगे, ठीक है, या हम क्या बोले, दैट इज साइज। सो E की साइज हो गई टू रेस टू एक्स वाई। अब आपको फंक्शन बनाना है Z से E तक, तो Z की साइज है स्मॉल Z एंड इसकी साइज कितनी है टू रेस टू एक्स वाई, तो टोटल फंक्शन कितने बनते हैं, हमें पता है कि सेकेंड सेट की पावर फर्स्ट सेट, ये लिखते हैं हम टोटल फंक्शन के लिए। तो व्हाट इज द सेकंड सेट, सेकंड सेट इज टू रेस टू एक्स वाई, इसकी पावर फर्स्ट सेट दैट इज जेड, और हमें पता है पावर का पावर अगर आप लिखते हैं तो दैट इज इन द कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो टू रेस टू एक्स वाई जेड ये बन जाएगा आपका, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, सो डी इज द राइट आंसर। सिंपल लॉजिक था, जो जो लिखा है जस्ट स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड को हम पढ़ते गए और उसके अकॉर्डिंग लिखते गए। पहले उसने बोला x into y करना है, तो x into y किया, कार्टिनलिटी कितनी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक्स वाई, फिर उसने बोला कि उसके सारे सबसेट निकालने, तो उसके सबसेट निकाल दिए हमने दैट इज दिस, फिर बोला उस सबसेट पे आपको क्या करनी है, मैपिंग करनी है किसके थ्रू, जेड के थ्रू, तो जेड टू ई, तो जेड टू ई कर दिया आपने, दैट इज द आंसर। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. So the right answer is 2 raised to x, y, z. Now, the next, the question is, let capital X and capital Y. अब देखिए जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इसमें गेट के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो कैपिटल एक्स एंड वाई डिनोट द सेट कंटेनिंग टू एंड 20 एलिमेंट, एक्स एंड वाई डिनोट द सेट कंटेनिंग टू एंड 20 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड कैपिटल एफ डिनोट सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, कैपिटल एफ डिनोट सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड लेट स्मॉल एफ बी अ सेट ऑफ फंक्शन ठीक है
set of function. Let a small f be a set of function randomly selected. F be a set of function randomly selected from capital F. Small f is the set of function randomly selected from capital F. ठीक है. Then the probability, of a small f, probability of a small f being 1:1 is, मतलब क्या है यहाँ पे कि एक सेट x से y एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में टोटल फंक्शंस निकाले आपने और उसमें से एक फंक्शन सिलेक्ट किया, तो उस फंक्शन के 1:1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. एफ बी अ फंक्शन, डायरेक्ट सेट ऑफ मत लिखना, एफ बी फंक्शन रेंडमली सिलेक्ट फ्रॉम एफ, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एफ बीइंग 1:1 इज, एक फंक्शन आपने निकाला उसमें उसके 1:1 होने के चांस क्या है. दैट इज द क्वेश्चन. दो सेट है एक्स वाई, उसकी साइज दी है 2 और 20. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा क्वेश्चन नहीं है. देखिए, एक न्यूमेरिक डेटा क्वेश्चन है तो पहला कंडीशन तो आपका मतलब माइंड में ये आनी चाहिए कि क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती. दैट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रेटर देन वन. तो तुक्का भी मारेंगे तो हम वन से ग्रेटर तो नहीं मानना हमें. ठीक है, मान लीजिए आप जैसे न्यूमेरिक डेटा क्वेश्चन आता है हमें, तो न्यूमेरिक डेटा क्वेश्चन में आपसे ये गेट क्वेश्चन है, आपसे पूछा दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी आपका इन दैट केस, प्रोबेबिलिटी के केस में हमें क्या बोला कि आंसर डेफिनेटली रेंज क्या होती है, 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी की. तो 1 से ग्रेटर तो कभी होगी नहीं. So, अगर आपका आंसर 1 से ग्रेटर आ रहा है, सो दैट मींस वो कहीं ना कहीं गलत है आपका. 0.95 टोटल नंबर ऑफ 1:1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस करते हैं. करेक्ट. देखिए, हमें सबसे पहले तो x टू y बोला है, दैट इज कैपिटल F. सो कैपिटल F x टू y कैलकुलेट करना है आपको. So in that case, x की वैल्यू कार्डिनलिटी 2 से 20, तो हमें पता है कि टोटल फंक्शन कितने होते हैं. दैट इज m रेस्ट टू n, सेकेंड सेट पावर 2, फर्स्ट सेट. तो सेकेंड सेट 20 की पावर 2, दैट इज 400. तो 400 फंक्शंस आएंगे आपके टोटल. ठीक है, अब इसमें से 1:1 कितने होंगे, तो 1:1 का फॉर्मूला क्या है आपका. So 1:1 के लिए आप लिखते हैं that is MPN. So that is 20P2. ठीक है, 20P2 आपका यहां पर बनेगा टोटल. सो 20P2 का आंसर 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 -2 दैट इज 18 फैक्टोरियल. तो ये बचेगा 20 × 19 दैट इज 380. तो 400 में से 380 तो 1:1 ही है आपके. तो 400 में से एक फंक्शन उठाया मैंने और वो 1:1 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो 400 में से कितना सिलेक्ट करना, 380. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. 400 में से 380 आने के चांस कितने, 95% है, यानी कि 0.95. टू भी करेंगे ना क्या, एनी डाउट. सॉरी सॉरी, कुछ नहीं. करेक्ट. सो
400 इन परसेंट में अगर आपसे पूछा होता है कि हाउ व्हाट परसेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो 95% हो जाता है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन में पूछा है, सो दैट इज 0.95. सर फॉर्मूला ना लगाते हुए ऐसे भी कर सकते हैं ना सर कि जो 1-to-1 ना हो उन्हें माइनस कर दें, क्योंकि 20 ही होंगे जो कि मतलब हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं आप उसका. आपको देखिए देयर आर वेरियस वे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन हम जब स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाइज जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली 380 है, 380 आपके कौन से हैं 1-to-1 है, तो रिमेनिंग कौन से 20, तो 20 रिमेनिंग बच गए, तो उस केस में आपको रिवर्स चेक करना पड़ेगा, बट मतलब कोई कहीं नहीं भी लॉजिक तो वो बन नहीं है आपका. सो आंसर इज दैट इज 95.95 आ जाएगा आपका. ये सर न्यूमेरिक में 0.95 ही लिखना रहता हूं आपको. हाँ न्यूमेरिक डेटा पूछा है ना आपसे. देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको जैसे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको अप टू 2 decimal वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है कि अप टू 2 decimal. मान लीजिए आपका कोई आंसर न्यूमेरिक इस तरीके से आ रहा है कि बहुत रेंज जा रही है उसकी, तो कहाँ तक लिखे, तो अप टू 2 decimal, तो 0.95 इंसर्ट कर दिया, तो पॉइंट फिर 9 और 5 लिखना है आपको, ठीक है, मतलब आगे जीरो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, या तो 0.95 वो तो कंसिडर कर लेगा आपका रिजल्ट को, ठीक है. यस ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. अ फंक्शन एफ फ्रॉम एन प्लस टू एन प्लस, ठीक है, डिफाइन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. अब देखिए n प्लस को इसने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n प्लस, यानी एक फंक्शन है पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर डिफाइन किया है n टू n, एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, First one is f of n is equals to f of n by 2 if n is even. Agar n even hai to f of n kya hoga aapka n by 2, and f of n is equals to f of n plus 5 if n is odd. Theek hai, यानी किसी भी f का मतलब क्या है, इमेज ऑफ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज n की इमेज n by 2 होगी अगर n odd even है, और n plus 5 होगा अगर n क्या है odd है. Now, फिर लिखा है आपको let capital R is equals to I, capital R equals to I, there exist some j such that f of j is equals to I, ठीक है. Let R equals to this be the set of distinct value, that F tag. So the maximum possible size of R is, that is numeric data question. देखिए ऊपर का पार्ट तो समझ में आ रहा होगा कि एक फंक्शन है आपका n से n बन रहा है, f of n n by 2 है, और f of n n by 2 कब करना है जब n even है, n plus 5 कब करना है जब n odd है, यानी एक एलिमेंट की इमेज फाइंड कर रहे हैं तो वो दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करेगी, क्लियर है. सो R equals to I, there exists some j, the symbol means there exists some j such that f of j is equals to I, यानी कि j किसके equivalent है आपका, I के equivalent है, तो f of j I है, यानी किसी भी j के element की image क्या है, I है. तो इस तरीके से सारे element put करते जाएंगे आप, positive integer है आपका, तो अलग अलग j put करके जितने भी different I आ रहे हैं आपके पास, यानी कि जितनी different image बन रही है, that is the question, कि what is the size of image, कितनी different image आप यहाँ पे consider करेंगे, ठीक है. Ultimately, आपका at the end question is that. So try it.
सर 5 सर हेलो सर नो 5 इज नॉट राइट आंसर 5 इज नॉट राइट देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके सेम एलिमेंट मतलब मल्टीपल एलिमेंट की इमेज सेम बनती जाएगी बट कहीं ना कहीं जाके आपको लगेगा कि यस इसके लिए डिफरेंट सेट बनेगा दैट इज ओनली द लॉजिक ठीक है वही फाइंड करना है आपको तो उससे कराए लाइक जैसे कि जो पहला नंबर है वो है ओड नंबर है 1 तो 1 + 5 कर दिए तो 6 हो गया अब जो सेकंड नंबर है वो है 2 तो 2 के लिए 1 हो जाएगा अब 3 के लिए फिर 8 हो जाएगा और फिर 4 के लिए 2 हो जाएगा तो करेक्ट है वो पूरा एक में चला जाएगा एक ही पॉसिबल है सर नहीं 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 दो आएगा सोचो सोचो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका इसमें नहीं जाएगा सर 1 2 3 4 5 नहीं जाएंगे ना पांचों नहीं जाएंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है देखिए चलिए दोनों में पांचों नहीं जाएंगे मतलब सिंगल सिंगल जा रहे हैं लेकिन दोनों में मतलब साथ में पांच नहीं जाएंगे ना देखिए क्या होगा फर्स्ट अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा एन आपने क्या बोला द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है सो लाइक अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया ठीक है सो एफ ऑफ 1 अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 क्या है आपका दैट 1 इज द पॉजिटिव इंटीजर ठीक है 1 इज ऑड ऑड यानी कि कौन सी इक्वेशन चलेगी आपकी ये वाली तो दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 1 प्लस 5 6 अब 6 की इमेज फाइंड करना है आपको एक्चुअली इमेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अब एग्जैक्टली एंड तो कुछ नहीं है दैट इज रिकर्शन तो उसने इमेज पूछा भी नहीं है उसने ये पूछा है कि कितने अलग अलग सेट में जाओगे आप तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 फिर एफ ऑफ 6 इज इवन इवन यानी कि ये वाला चला देंगे आप दैट इज रिकर्शन सो 6 बाय 2 दैट इज 3 फिर 3 आया 3 अगेन ऑड है यानी कि इसके लिए रन करेंगे आप तो 3 प्लस 5 किसको कॉल करेगा ये एफ ऑफ 8 को कॉल करेगा 8 जैसे ही आया ये क्या हो गया आपका इवन ये किसको कॉल करेगा एफ ऑफ 4 को कॉल करेगा नाउ एफ ऑफ 4 क्या आया आपका दैट इज अगेन इवन फिर से डिवाइड बाय 2 तो 4 बाय 2 इज 2 दैट इज दिस फिर ये कॉल करेगा किसको 2 बाय 2 इवन ही चल रहा है आपका एफ ऑफ 1 को Now, 1 फिर से कॉल करेगा किसको 6 को फिर 6 3 को 8 4 2 1 6 3 8 4 2 2 1 6 3 इसी में घूमता रहेगा ठीक है नाउ चलिए अब हमने बोला कि इसके अलावा कौन सा एलिमेंट दिख रहा है हमें तो 1 2 3 4 4 तक तो आपका यहां पे हो गया हम देखते हैं 5 के लिए 5 5 ऑड है तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 को कॉल करेगा 10 इज इवन तो इसने 2 से डिवाइड कर दिया फिर से किसको कॉल कर लिया 5 को देखिए 5 और था तो 5 ऐड किया 10 10 इवन है तो डिवाइड बाय 2 5 फिर 5 किसको कॉल करेगा 10 को 10 5 10 5 चलता रहेगा ये यहां पे किसी थर्ड एलिमेंट पे ये नहीं जाएंगे तो एक फ्लो तो ये चला आपका एक ये चला तो दो एलिमेंट तो अभी तक आपको मिल गए देखिए दैट इज 4 1 इन सब की इमेज सेम होगी इन सब की इमेज सेम होगी यानी इन दोनों की 5 और 10 की अब यहां पे सीक्वेंस देखा आपने 1 2 3 4 5 6 ठीक है उसके बाद क्या है 8 है 7 के लिए अभी तक नहीं बना है तो 7 के लिए चेक करते हैं f ऑफ 7 इज 7 इज ऑड तो 7 प्लस 5 इज 12 12 इज इक्वल्स टू 12 इज इवन कहां पे चला जाएगा 6 पे और 6 पे जैसे ही गया इस सेट को मिल जाएगा बिकॉज f ऑफ 6 इज हियर यानी 6 की जो इमेज होगी वही 12 की होगी और वही 7 की होगी तो 6 3 8 4 2 1 वापस उसी साइकिल में आ गया हो नाउ 6 के बाद 7 7 के बाद क्या देखेंगे आप 8 8 यहां पे यूज कर लिया आपने अब 9 के लिए आप रन करेंगे तो देखिए f ऑफ 9 के लिए क्या होगा आपका दैट 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14 14 बाय 2 इज 7
7, यानी कि ये अगेन इसी साइकिल में जाने वाला है। अब आप 10 के लिए देखेंगे तो वो इस साइकिल में आ जाएगा, 11 वाला फिर से इस साइकिल में जाएगा, 12 वाला फिर से इस साइकिल में जाएगा, 13, 14 जितने भी है दैट इज ओनली इन दिस। तो एक तो इसके लिए बना गया और एक इसके लिए, तो टोटल दो डिफरेंट सेट बनेंगे। आया समझ में? क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली इमेज हमें नहीं मिलने वाली है क्योंकि हमें फंक्शन की बॉडी नहीं पता है, जस्ट वो फंक्शन कॉल कर रहा है रिकर्सिवली। अगर इवन है तो ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ऑड है तो ये वाला कॉल करना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि किस पर्टिकुलर सिक्वेंस में आपकी टोटल दो अलग अलग साइकिल चल रही है। आप 9 के लिए फिर से घूम के हम यहाँ पे आ गए, 7 के लिए यहाँ पे आ गए, फिर 11 के लिए आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक टाइम तक सॉल्व करना है डेफिनेटली, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के अलावा थर्ड नहीं बनने वाला है। सो आंसर इज 2। क्लियर? अब ये 5 वाले में कौन सा एलिमेंट आ सकता है, यानी इन आगे अगर आप देखें इसी पॉजिटिव इंटीजर को बढ़ाते जाएंगे तो 20 आएगा। क्लियर ना? 20 by 2 is 10, 10 5 ये आएगा सर। हाँ, तो आपका दो साइकिले जो 5 के मल्टीपल में है, ठीक है, यानी कि 5 के मल्टीपल या एग्जैक्टली आप बोले 5, 10, 20 इस टाइप के, ठीक है। सो जो भी 5, 10, 15, 15 + 5 भी कितना होगा, 20 होगा। सो वो इसी में जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ प्लस 5 है तो 5 के मल्टीपल वाले सारे इधर कवर हो जाएंगे और रिमेनिंग सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इसके अलावा कोई सेट नहीं बनेगा। सो दैट इज 2 आंसर। गॉट इट? तो देखिए दैट इज, तो ये हमने पूरा फंक्शन पे देखा, फंक्शन पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अब इसके अलावा भी फंक्शन, ठीक है, दैट जैसे हमने फंक्शन देखा, फंक्शन के बाद अभी और फंक्शन के टाइप्स, कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स? तो देखिए इनवर्स का मतलब क्या करना है आपको, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इफ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, अगर आपने लिखा दैट इज फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पावर में -1, एफ इनवर्स इज फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है? एफ इनवर्स कहां से बनेगा आपका, बी से। सो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, तो फंक्शन इज इन्वर्टेबल, यानी कि हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन इन्वर्टेबल होगा ओनली इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। तो कोई भी फंक्शन आपका कब पॉसिबल है, इन्वर्टेबल ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन एफ इज इन्वर्टेबल ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। सो 1-to-1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो इनवर्स जस्ट अपोजिट हो गया, ए टू बी की जगह आप क्या कर देंगे, बी टू ए बना देंगे। बट यहां पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेट है, यानी कि फंक्शन आपको सेट के फॉर्म में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवर्स मैपिंग कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे 1-to-1 on 2 क्यों बोला, क्योंकि आपकी हर एक एलिमेंट की इमेज क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, लेकिन इमेज वाला पार्ट रिपीट हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने इस तरीके से फंक्शन लिखा 1, 2, 3 और इधर आपने लिख दिया दैट इज ए बी सी, ठीक है, और आपने ले लिया 1, 2 के लिए ए और 3 के लिए बी, सो इसका इनवर्स नॉट पॉसिबल। गॉट इट? क्योंकि ए की इमेज 1 और 2 दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि इनवर्स, हाँ
क्या हुआ? ये फंक्शन नहीं होगा फिर बी टू फंक्शन नहीं, फंक्शन ए टू बी तो फंक्शन है बट इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है. इनवर्स पॉसिबल नहीं है मतलब वो ये फंक्शन नहीं बनेगा, वो एक नॉर्मल सेट बन जाएगा आपका. ये वन से ए है ठीक है, टू से ए है और थ्री से बी है. तो अब इसका वन की इमेज ए टू की इमेज है ये तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब आपका इनवर्स लेंगे आप तो क्या बोलेंगे आप, ए के लिए वन और ए के लिए टू, दैट इज नॉट करेक्ट. गॉट इट? और सेम सी के लिए कुछ होगा भी नहीं. मान लीजिए आपने यूनिक भी ले ली और एलिमेंट ज्यादा ले लिए ठीक है लाइक दिस. सो ये हम क्या बोलेंगे, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द फंक्शन ठीक है. एंड एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल ठीक है, एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. तो इस केस में भी आपका एफ इनवर्स नहीं होगा. मान लीजिए आपने सेट ए लिखा एंड बी लिखा, दैट कंटेन वन टू थ्री, और आपने ले लिया ए बी सी डी. सो वन की इमेज ए, टू की बी, थ्री की सी, तो ये तो करेक्ट है. बट डी किसी की इमेज ही नहीं है, तो डी के लिए अगर आप कोडोमेन यानी कि आप इमेज फाइंड करेंगे सो वो पॉसिबल नहीं होगा आपका. क्लियर है? तो डी के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं आपको. तो दैट ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. इसके लिए भी आपका एफ इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है? तो मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन टू वन मैपिंग होनी चाहिए आपकी. यानी कि अगर वन टू थ्री लिखा है आपने, इधर ए बी सी लिखा है, सो दैट दिस दिस, सो इसका इनवर्स पॉसिबल है. ठीक है? इनवर्स मतलब कुछ नहीं, बी से ए लिख देंगे आप, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज पॉसिबल, दैट इज करेक्ट फॉर दिस. इसके लिए करेक्ट होगा आपका. ठीक है? सो आपको इस पर जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि एफ इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, क्या होगा? सो इफ इट इज बाइजेक्टिव, दैट इज द कंडीशन. गॉट इट? तो देखिए नॉर्मल आपको दिया है यहाँ पे लाइक दिस, जैसे आप हमने यहाँ पे एलिमेंट फॉर्मेट में दिया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है? हमने यहाँ पे देख लिया इसको और उस फॉर्मेट में उसका आंसर कैलकुलेट कर लिया. बट बहुत सी बार आपको क्या है इक्वेशन फॉर्म में दिया होता है और उसका इनवर्स फाइंड करना है. सो उस केस में कैसे करेंगे हम? तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम उसके थ्रू समझते हैं. सेकेंड केस कैसे पॉसिबल नहीं है? एक बार कौन सा वाला? दैट इज जस्ट अ मिनट. सेकेंड केस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे डी जो है हमने फोर एलिमेंट लिए हैं इस केस में. इन दिस सेट देयर आर फोर एलिमेंट ए बी सी डी. तो ए के लिए तो वन बन जाएगा आपका, बी के लिए टू बन जाएगा, सी के लिए थ्री बन जाएगा, लेकिन डी के लिए कोई इमेज नहीं बनेगी उसकी प्री इमेज. देखिए एक्चुअली इनवर्स में हम क्या बोलते हैं कि द रीजन इज दैट कि देयर इज नॉट एनी प्री इमेज ऑफ डी. डी इज दी, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि बी जो है, बी के जो एलिमेंट है वो इमेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो ए अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज अ इमेज ऑफ वन, बी इज इमेज ऑफ टू, ठीक है, एंड सी इज इमेज ऑफ थ्री, तो हम क्या बोलते हैं कि वन इज दी प्री इमेज ऑफ ए. ठीक है? जैसे एक पॉइंट अगर आपने लिखा है कि वन ए इज इमेज ऑफ वन, दैट मीन्स वन इज प्री इमेज ऑफ ए. ठीक है? उस केस में हम क्या बोलते हैं, वन इज प्री इमेज ऑफ ए. तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. अगर वो है तभी आपका इनवर्स पॉसिबल है. तो वो कब होगा? जब आपका फंक्शन किस टाइप का हो, ऑन टू टाइप का हो, तभी पॉसिबल है वो. गॉट इट? चलिए सो देखिए अगर मान लीजिए आपको यहां पर दिया है दैट क्वेश्चन इज let R denote the set of real number, ठीक है, and
f function is from, function diya hai, f is from r cross r to r cross r. ठीक है, the function is from r cross r to r cross r, be a bijective function, be a bijective function defined by, ठीक है, एक function f है r cross r to r cross r, यानी कि real number, set of real number है, उसका cartesian product से उसके cartesian product पर आपने design किया है, and it is bijective, यानी कि one to one on two होगा आपका. Defined by, the condition is f of xy is equals to x plus y comma x minus y. यानी क्या मतलब हुआ इसका? हमें पता है कि r cross r यानी कि एक pair होगा. उस pair की image, यानी कि हम दो function bijective को definition किसके through दे रहे हैं कि xy is equals to x plus y और x minus y. ठीक है? यानी x y के लिए इमेज क्या बनाएंगे आप? x plus y करेंगे और x minus y करेंगे, तो जो भी पेयर आएगा वो उसकी इमेज कहलाएगा. Then the inverse of inverse function of f is given by first option. F inverse क्या होगा? That is the question. So f inverse of x comma y is equals to 1 upon x plus y comma 1 upon x minus y. Second, f inverse xy is equals to x minus y and x plus y. C, f inverse x comma y is x plus y by 2, x minus y by 2. And the D option is f inverse xy is 2 of x minus y and 2 of x plus y. Got it? B. देखिए जल्दी नहीं करना आंसर देने में. अगर मैंने बोला है कि थोड़ा सा उसकी इक्वेशन में लॉजिक लगेगा, तो फिर अगर मतलब लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर क्या मतलब? देखिए एक सिंपल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उससे आपको अगर समझ में आता है, मतलब मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे टर्म लिखी है, दैट एनी इक्वेशन, और आपने उसका रिजल्ट कुछ भी लिखा है, तो दैट इज एफ ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस. सो मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा दैट इज एक्स और इधर लिख दिया वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई. सो एक्स अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स क्या होगा? इनवर्स मतलब एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई. इस f को इधर ले गए तो वो इनवर्स हो जाएगा आपका. f ऑफ x अगर y है तो f इनवर्स y क्या होगा आपका? x होगा. साहब प्रीवियस जो हम लिख रहे थे कि 1 की इमेज a है तो f इनवर्स a क्या कहलाता है? 1 कहलाएगा. ठीक है, यानी उस टर्म को आपको इनवर्स में कंसीडर करना है. सो fx equals to y then x is equals to f इनवर्स y. इस लॉजिक से सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर.
Yes. एक आंसर आया अभी एंड दैट इज राइट आंसर. देखिए जब फंक्शन में एक्स वाई पास करते हो तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आता है, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए. देखिए एफ इनवर्स इसने क्या किया, कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में. कंफ्यूजन क्या है, जिस इमेज जिस एलिमेंट का आप पर्टिकुलर एक्स वाई के लिए जब आप इमेज फाइंड कर रहे हैं उसी एलिमेंट का इनवर्स में इमेज फाइंड करना है. यानी जनरली हम क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू टू, तो हम क्या बोलेंगे कि वन इज प्री इमेज ऑफ टू, यानी कि वन इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ टू, तो टू के लिए वन बोलेंगे. अब ये क्या चाहता है, एफ इनवर्स ऑफ वन क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. एफ ऑफ वन दिया है और एफ इनवर्स वन ही पूछ रहा है, यानी उसी एलिमेंट को इनवर्स में भी पुट कर दिया उसने. So, उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसके लिए आप जस्ट रिवर्स कर दें. अरे यहां पे क्या लिखा है, एफ ऑफ वन इज टू, एफ इनवर्स वन पूछ रहा है, तो यहां जो भी लिखा है ठीक है, मान लीजिए यहां लिखा है फोर, तो आप क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ दैट वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ फोर, यानी उस फोर को उस बॉडी में पास करें आप, देन यू गेट द वन. चलिए बहुत हो गया कंफ्यूजन, अब देखते हैं सॉल्यूशन. फंक्शन की डेफिनेशन अगर जब भी आपको दी हो कि फंक्शन इज डिफाइंड बाय, अगर इस टाइप से लिखा है तो आपका फंक्शन की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन थ्रू आउट आपको फॉलो करना है. तो हमने बोला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, ठीक है. सो जब एफ में एक्स वाई पास कर रहे हैं तो आप ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है. तो अगर मैं इस डेफिनेटली आपकी फंक्शन जो डेफिनेशन पे फॉलो कर रहा है उसका इनवर्स क्या करेगा, उसकी रिवर्स डेफिनेशन को फॉलो करेगा. यानी हम क्या बोल रहे हैं कि x कॉमा y आउटपुट में कब मिलेगा, जब f इनवर्स में आप x प्लस y और x कॉमा y पास करेंगे, ठीक है. यानी f इनवर्स ऑफ दिस कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है. सो f इनवर्स यानी कि अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज एक्स वाई जो भी है आउटपुट, ठीक है, एफ इनवर्स में आप कुछ एलिमेंट पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स कॉमा y मिलेगा. एग्जैक्टली लॉजिक उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो आप एफ इनवर्स में पास कर रहे हैं उस पे आपको लॉजिक यही अप्लाई करना है. यानी कि एफ वी पुट दिस, यानी कि अगर मैं इसके लिए लिखता हूं, देखिए ये एफ इनवर्स है, इस ऑप्शन के लिए अगर आप इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखें, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वाई वन अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ दिस, ठीक है, x comma y equals to f of this, ठीक है, ये इनवर्स था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा f. अब ये बॉडी हमारे पास तो डेफिनेशन यही है, तो हमने क्या करा, इस f को इधर ट्रांसफर कर दिया. तो जब f में x y पास करते हो तो ये आउटपुट आता है, तो f में 1 by x plus y और 1 by x minus y पास करके देखें तो क्या x y आ रहा है, तो डेफिनेशन यही लगानी है आपको, पहले और दूसरे एलिमेंट का सम, पहले और दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस, यानी इन दोनों का सम x के इक्विवेलेंट और इन दोनों का डिफरेंस y के इक्विवेलेंट, क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल, क्लियर है. अरे 1 by x plus y और plus 1 by x minus y करेंगे तो क्या वो x के इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा, क्लियर है ना. देखिए f में जब x y पास कर रहे हो तो आपको क्या करना है, x plus y comma x minus y करना है, और अब हम x y की जगह क्या पास कर रहे हैं, 1 by x plus y और 1 by x minus y, तो डेफिनेशन तो वही रहेगी, तो आउटपुट आपका हमें ये चाहिए, बट ये आउटपुट नहीं आएगा इसके थ्रू. सेम सेकेंड ऑप्शन में भी अगर आप लिखेंगे x कॉमा y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस y x प्लस y, सो यानी कि इन दोनों का सम, f में जब आप x माइनस y और x प्लस y पास करते हैं तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका दैट इज दोनों का सम दैट इज 2x, और इसमें से इसको माइनस किया आपने तो दैट इज द माइनस टू वाई, सो इसका रिजल्ट आएगा 2x एंड माइनस टू वाई, बट हम क्या चाहते हैं x कॉमा वाई, तो वो नहीं आ रहा है. थर्ड ऑप्शन में अप्लाई करके देख लिया, x कॉमा वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई बाय टू एंड x माइनस वाई बाय टू, तो इन दोनों का सम x के इक्विवेलेंट होगा क्या,
तो देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको, x प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई बाई टू, क्या लिखेंगे आप, दैट इज x प्लस वाई बाई टू, तो एलसीएम टू कॉमन आ गया, प्लस x माइनस वाई, वाई से वाई कैंसल, टू एक्स बाई टू दैट इज x, तो इसका रिजल्ट x आ रहा है। और जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो y y क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो 2y by 2 that is equals to y, got it, so यहां से y आ जाएगा, तो इस पे फंक्शन अप्लाई करने पे x y आ रहा है और हमें x y आउटपुट में चाहिए, so c is the right answer, आ गया सर, क्लियर है ना। तो क्योंकि देखिए इनवर्स की डेफिनेशन क्रिएट करना दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपने इसको जस्ट इनवर्स करके बता दिया कि दैट इज दिस, कि अगर f इनवर्स में x प्लस वाई और x माइनस वाई पुट करोगे तो एक्स वाई आपका यानी कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में आएगा, लेकिन f इनवर्स का फंक्शन नहीं है हमारे पास, हमारे पास फंक्शन सिर्फ किसका है, f का है, तो हमने क्या करा, इन ऑप्शन को ही रिवर्स कर दिया, इसको इधर भेज दिया, तो f का फंक्शन बन गया, और f का फंक्शन कैसे वर्क करता है ये हमें पता है, दैट इज दिस, तो उस ऑप्शन की वैल्यू वहां पे पुट कर दी हमने, गॉट इट, चलिए, सो दैट इज द इनवर्स। सो देखिए अगर आपको इक्वेशन टाइप आता है सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, अदरवाइज आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो वो तो डायरेक्टली आप रिवर्स करके बता देंगे। नाउ अब इसके बाद कंपोजिशन क्या होता है, फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है वो देखेंगे हम, ठीक है, और कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे हम अलजेब्रिक सिस्टम, तो वहां पे आपका सेट थ्योरी का पहला पार्ट खत्म होगा जैसे ही आपका फंक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सेट थ्योरी फर्स्ट में आपका सेट रिलेशन और फंक्शन आता है, फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, लेटाइसेस, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, एंड सो ऑन, गॉट इट। फिर हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी, कॉम्बिनेटरिक्स ही पढ़ेंगे सर, नहीं कॉम्बिनेट्रिक्स तो आप लोग उसमें पढ़ते ही है ना, आपने इसमें मतलब एफटी में और इसमें हो ही जाता है ना कॉम्बिनेट्रिक्स में, मतलब उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जब बेसिक चीजें हैं देख लेंगे हम, कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो होगी वो मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ, बट डिस्क्रीट में जनरली नहीं होता है वो, आपका उसी में आ जाता है, कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स वाले कुछ चीजें होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी बेसिक फॉर्मूले तो कॉम्बिनेट्रिक्स के हर जगह यूज होते हैं, जैसे अभी हमने यूज किए, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये क्या होती है, सब मतलब ये सब ऑलरेडी आप लोग जो स्टैंडर्ड चीजें होती है ये आती है, क्योंकि देखिए जब भी आपका कॉम्बिनेट्रिक्स पे या मैथ्स पे क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जो बनता है ना वो बिल्कुल ईजी बनता है, जो आपके बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, अगर वो क्लियर है तो आप इजिली गेट में उसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कवर हो ही जाता है, got it sir, कल क्लासेस है? नहीं कल नहीं, कल छुट्टी है, हैप्पी दीपावली इन एडवांस, एंजॉय करिए, परसों मिलते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली, आराम से फटाके फोड़ना, ज्यादा मत फोड़ना, ठीक है, आपके उधर तो अलाव है या नहीं, कहां से आप लोग सारे? नहीं एक्चुअली आई एम फ्रॉम एमपी, तो एमपी में तो अलाउ कर दिया है उन्होंने कि भर फुल्ले फोड़ो जितने फोड़ने फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप नहीं फोड़ते? नहीं यार टाइम ही नहीं मिलता क्या फोड़ू, क्लासेस तुम्हारी कैंसिल करी, इसके अलावा दो क्लासेस तो लेनी है मेरे को, ठीक है, और वैसे भी ठीक है, जब कॉलेज में थे जब सब कर लिया, एंजॉय जितना करना था, मतलब हर लेवल की मस्ती कर ली है, तो जब तक आप कॉलेज में हो कर लो जितनी मस्ती कर सकते हो, क्योंकि एक बार आप वर्किंग हुए सब भूल जाओगे कि क्या होता था क्या नहीं होता था, ठीक है। परसों की क्लास अपन सेम टाइम पे, आपकी हॉलीडे है क्या परसों भी? सर सुबह वाली में है, सुबह की क्लास है? नहीं है सर, परसों मॉर्निंग में रखें क्या अपन? नो सर, ठीक है,
इवनिंग में ही रख लेंगे, सेम टाइम पे ही रख लेंगे 5:30 पे, है ना। बाकी मान लो आप ग्रुप पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए कि मान लीजिए कोई मैसेज आता है या कुछ भी, या फिर मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना लूंगा और मैं जिसके कॉन्टेक्ट नंबर है उसके थ्रू मैं लिंक विंक शेयर करके आप सबको ज्वाइन करवा लेता हूँ आज की तारीख में, है ना। ओके अभी की पीपीटी शेयर करूँ या कल दे दूँ? नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, है ना। ठीक है चलिए, तो टेलीग्राम में ही कर दीजिएगा इस पीडीएफ। हाँ टेलीग्राम बना के उसी में डाल देता हूँ मैं आज। ठीक ओके सर, वो लेट ज्वाइन किया तो दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पीपीटी में देखिए आप 2 मिनट जिस जिसको जाना है वो जाओ, जिसको पीपीटी चाहिए रुक जाओ, 2 मिनट में भेज ही देता हूँ मैं। ठीक है यस। कर दिए शेयर मैंने, कर लीजिए आप।